इमोशंस ऐसे हैं कि मेरी मम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई, मतलब शी वॉज जस्ट 44 एट माई, और हम सब छोटे बच्चे थे और बहुत मम्मी और पापा हम सब लोग गाते बचपन में, बहुत सारी बहुत प्यारी मीठी यादें हैं। और अचानक मम्मी का देहांत हुआ तो मेरे पापा को भी वो शौक था, बहुत हम सब लोगों को संभालने के लिए अगर कुछ था तो संगीत का सहारा था। मेरे डैडी ने फिर मुझे, मैं गाती रही थी बचपन से, गाती थी मैं तो, डैडी देखते कि मैं मम्मी जाने के बाद रोते गाती रहती, तो डैडी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया पहला, और उसके बाद वो हमारा चलता ही रहा, हम रेगुलर शो करते रहे, मेरी शादी होने तक हम करते रहे। उसके बाद मैं, पापा बिजी थे, दोनों भाइयों की मैरिज वगैरह सब था, तो फिर हम लोग थोड़े से खो से गए, भूल गए मतलब कैसे करें। उनको लगा अभी बच्चे की शादी हो गई, दामाद को जो पसंद है वही करो, अभी मैं ज़्यादा उसमें ना पढ़ूँ तो। लेकिन मुझे जो डैडी ने डाल दिया था संगीत का आशीर्वाद था वो मेरे लिए, तो मैं उसे बहुत मिस करती। जो गाना आप लोगों ने अभी अंदर पापा तुम्हारी नन्ही परी सुना, तो मैं बहुत मिस करती पापा को। फिर मैंने सोचा मैं अच्छा ये सिलसिला जारी रखूँगी, संगीत छोड़ूंगी नहीं, फिर मैं करती गई और आज आप लोगों ने मुझे सुना। मैम अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फिल्मों में अभी सिंगल्स का जमाना आ चुका है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा जर्नी के बारे में? मेरे डैडी का सपना था कि मैं, उनको लगता था मैं बचपन से गाती थी तो कोई बहुत बड़ी सिंगर बनेगी, सब पापा लोगों को लगता है अभी इतने अपन लाइव शोज देखते हैं। लेकिन जो था, जितनी मेहनत थी मैं कर रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत हार्ड लगा आफ्टर मैरिज। फिर मेरा बेटा है, बहुत होनहार अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ता है, ही इज़ डूइंग IIT नाउ इन बीट्स पिलानी, तो मुझे उसे भी देखना था, मेरा गाना भी देखना था। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी देखना था, तो मैंने जितना पॉसिबल है उतना करियर अपना जारी रखा आज तक। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन मुझे नहीं होता था इतना लेट नाइट कहीं भी रिकॉर्डिंग है या शोज़ है, मुझसे जितना हुआ मैं करती गई, अभी तक उतना ही मैं अपना संभाल के सब कर रही हूँ। संगीत आपके लिए कितना मायने रखता है अभी आगे के टाइम में, आने वाले समय में, और क्या कुछ प्लान किया है आपने इस जर्नी को लेकर? जो गाने मैं बचपन से रियाज करती गाती, वो दौर ही ख़त्म हो गया संगीत का। आज संगीत को दिशा ही नहीं है, कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं जितने भी शोज़ देखती हूँ, पुराने गानों के शोज़ होते हैं, नए गानों के शोज़ होने के लिए वो गाने बहुत थोड़े उतने अच्छे बनते हैं, सारे गाने अच्छे नहीं बनते, लोग एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, एक्सपेरिमेंट में गाना नहीं आएगा, गाना एक्सपेरिमेंट नहीं है, गाना दिल से आना चाहिए। हाँ, जो सिलसिला था, श्रृंखला जारी रखनी थी, इसलिए मैंने ये गाना, मराठी गाना कंपोज किया। और वो जब तक मुझे वापस राह नहीं मिली थी इस तरह वापस, क्योंकि मुझे शोज़ करना मतलब सब डैडी ही करते थे पहले, ऑडियंस एंड एवरीथिंग मैनेज एंड रियाज भी करना एंड फिर गाना भी, सब करना मुश्किल लगता था, तो मैंने ये गाना कंपोज किया था। आई तुझे आठवाणी थी, जो है इस तरह के शोज करना, सर एज अ फादर कितना प्राउड फील होता है आपको?
मेरे लिए बोलना मुश्किल है। मैं बचपन से गानों का शौक, मगर मेरे लिए वो पहले जो गायक थे और गायिका थे उनके गाने में मुझे बहुत कुछ लगता था, तो मैं इसके लिए कुछ बहुत कुछ करने वाला करना चाहता था, मगर वो दिन जो अलग थे और ये दिन अलग है। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी एक ये शो के पीछे लगे। अगर आपको दिल से गाना है तो गाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़े संगीतकार हो ये हो, गाने में दम है। तो आदमी अगर लगता है आदमी को कि मैं मर जाऊँ तो ये गाना सुनते मर जाऊँ, वो गाना होता है। यहाँ आदमी उठ जाता है गाना सुनने के लिए। ऐसे गाने के दिल में था तो बहुत रफी साहब ने रहता दीदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया संगीत के लिए। और भी संगीतकार गायक थे, संगीतकार थे लिरिस्ट थे, उनके पास भी बहुत कुछ था। वो ऐसे थे कि अभी तो दो शब्द जोड़ के गाना होता है, तब दो शब्द पर जोड़ के गाना नहीं होता, गाने में कुछ अंदर के एक ये होती थी जिससे कि आदमी को लगता था कि अभी ये वो एक गाना देखा इन्होंने गाया अनवर जी ने, वो मुक्ति पिक्चर का गाना है। मुक्ति पिक्चर के बाकी सब गाने इससे ज़्यादा चले, मगर जो बात ये गाने में शायद किसी में है। ऐसे बहुत गाने रफ़ी साहब ने जो गाने दिए, या साहिल साहब ने, या संगीतकार अभी ये भी इन्होंने गाना गाना वो भी आई साहब, हाँ। और एक देखो जब तक मनोज कुमार के पिक्चर सक्सेस नहीं होते थे, जब उनको बताया एक दिन क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि हम रफ़ी को लेके तुम्हारे शंकर जयकिशन के साथ एक पिक्चर निकालो, बोले देखो। और वो पहला पिक्चर जो आया वो चलता ही रहा हरियाली और रास्ता, हरियाली और रास्ता। सर इनके बहाने एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, लोग वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं। आज जो आपकी ऑडियंस है 40 से 80 की एज की है, लोग भूल गए, किसी का नाम लेने शायद रोड पे आप पूछेंगे कोई बताएगा भी नहीं। उस चीज़ को जिंदा रखना, माँ के सहारे, माँ के कितना बड़ा प्राउड फील करते हैं कि माँ के नाम से उन चीज़ों को जिंदा रखते हैं। आदम ये जो गाने हैं बहुत कम गाने सुनने को मिलते हैं, क्या कहना चाहिए? अभी वो गाना जो मैंने बोला ना, वो गाना मुक्ति का, अभी मैं समझो 40-50 साल से ऑर्केस्ट्रा में करता था, मुझे देखना सुनना मेरा शौक था, मगर ये गाना मुझे कभी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए मैंने बेटी को बोला और इनको बताओ कि ये गाना गाए, और उन्होंने जो उसके साथ इंसाफ किया है बस वो रफी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, इतना अच्छा गाना है। आगे आपको क्या करना है, मतलब इसी फील्ड में है, माँ के सहारे, माँ जिंदा है, समझ लो कि आपको प्रेरित करती है गाना गाने के लिए, आप काफ़ी इमोशनल हुए बीच बीच में गाना गा के, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरे डैडी की तरह इमोशनल व्यक्ति हूँ और हम लोग इमोशंस के ही सहारे जिए। अभी तक जो मैं कर रही हूँ इमोशनल, मैं कभी प्रैक्टिकली कुछ भी कर नहीं पाई, इंडस्ट्री में भी मैं प्रैक्टिकल डिसीजन कोई कर नहीं पाई, और मैं ऐसी इमोशनल हमेशा रहूँगी और हमेशा गाती रहूँगी। जब तक मेरा आवाज़ चल रही है मैं मम्मी की याद में शो करूँगी और मैं अच्छे गाने कंपोज करने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने मेरे दोनों कंपोजिशन सुना, एक पापा के ऊपर एक मम्मी के ऊपर सुना, ऐसे मैंने दोस्ती के ऊपर बनाया है। मेरी थॉट प्रोसेस रहती है एक, और उस पर मैं कंपोज करती हूँ, लिखती हूँ और गाती भी हूँ मैं, तो ये चलता रहेगा जब तक गला और माश। आपको लगता है थोड़ी सी लता जी से आपकी आवाज मिलती जुलती है, आपको लगता है? ये पिताजी मुझे बचपन से कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो मिल के आई लता मंगेशकर, लता की आवाज आपकी आवाज से मिलती है, क्या कह रहे थे ये? मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूं। बोलती भी ऐसी है, गाना तो छोड़ो, क्योंकि वो गाने ही इतने बिठाए लता जी के, मैं एक सीडी पूरी का ऐसे खराब होते होते हुए घुस जाती है, फिर भी वो गाना मुझे समझ नहीं पूरा, तो इतना सुना है उनको तो अपने आप वो ढल गया होगा, मैंने नकली नहीं ज्यादा। तो एक गाना गुनगुनाएंगे कोई लता जी के?
बजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के हम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। मेरी बड़ी दीदी, मेरी छोटी बहन है ये, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बहन है, इसने अपनी माँ के लिए, हमारी माँ के लिए ये जो प्रोग्राम करती रही है, वो सही बहुत ही अच्छा फील करता है हम सबको, हमारी फैमिली को। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसको जो भी मिलते हैं उसके साथ, इसके ये जर्नी में, वो सब इसको बहुत चाहते हैं और सिर्फ उसके चाहने के वजह से ही उसको सपोर्ट करते हैं, हमेशा इसको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसके सब दोस्त, इसके चाहने वाले ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बस इस दिन का कितना इंतजार रहता है आपको, पिछले लॉकडाउन में आप नहीं कर पाए? बहुत मिस किया मैंने, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा, अभी लॉकडाउन में तो मेड वगैरह नहीं थे, तो बहुत सारे काम के रियाज कर नहीं पाए थे, उस वक्त बहुत मेहनत की थी और वो प्रोग्राम मिस हुआ था, तो बहुत बुरा लगा था। तो हमने कोशिश की एकदम छोटे में ही सही करेंगे इस बार करके, हमने ये किया। आप भी सिंगिंग का शौक रखते हैं? नहीं, मैं सिर्फ सुनना चाहती और सुनती हूँ इसको, लेकिन इसको हमेशा गलत है तो गलत बताती हूँ, सही है तो सही बताती हूँ, जो भी है राय एकदम सही राय देती हूँ। कुमार जी आइए ना, आप चाहेंगे एक शाम आपके नाम जो इनिशिएटिव दिया अपनी मम्मी के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, उनको माँ को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी गाने इन्होंने चूज़ किया है वो दिल को लगता है जैसे गाना है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया और आज मौका दिया इस गाने के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। और ऐसे ही आगे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहे और हमको अच्छे गीत सुनाते रहे अपर्णा जी को। मैं अपने आप को कुछ नसीब समझता हूँ कि अपर्णा जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और गाने का मौका दिया, और ख़ास करके शायद ये मेरी पहली बार है कि मैं उनके साथ यहाँ पे माँ की याद में के पहले परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और पूरे गाने जो है वो माँ के ऊपर है, और ख़ास करके जब अपन्ना ने जो माँ के ऊपर जो मराठी गाना गाया, मैं तो बहुत इमोशन हो गया था, बहुत ही इमोशन, मेरे आँख से भी आँखों आ गए कि मैं अभी सोच रहा कि मतलब मैं, अगर अपन्ना जी ने मुझे कहा कि गाने के लिए आओ तो मुझसे नहीं होता था गाने के लिए, इतना इमोशनल हो गया था ये गाना सुन के। अनिता टुप्पणी यानी कुमार राज्य को भेजना, कभी साथ दे रही है वो, हम लोग बिछड़ गए थे बीच में, लेकिन जैसे उसे मैं मिली वो हम लोग जब से मिले हैं मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। और बाबा, इनको हम बाबा जी बोलते हैं, मिली नरोड़कर रिदमिस्ट है, और आप म्यूजिक कंपनी के दो स्ट्रॉन्ग पिलर है, जैसे दिखते वैसे ही। मेरी एकदम प्यारी सहेली है ये, और जब से मैं इनके प्रोग्राम में आई हूँ, मतलब आती रहती हूँ हमेशा, और मुझे गाने का और इनका गाने सुनने का बड़ा मतलब अच्छा लगता है बहुत, और हमेशा इनके शो में मैं आती हूँ, देर से बने लेकिन मैं आती हूँ, पहुँचती हूँ शो में। सर ये तो मेरी छोटी बहन ही है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं इसके पीछे हमेशा खड़ा रहता, ना कोई भी रात को सुबह फ़ोन करते मैं बात की जाता हूँ उसके पास, तो उसने बहुत ठोकर खाई जिंदगी में, जब जब वो प्रोग्राम करना चाहती थी, लेकिन वो सब हम लोग भूल के वापस उभरते हुए ऊपर आए। कंपनी खड़ी करना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए इन दोनों ने सब संभाले। मैं काफ़ी साल से इनके प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा हूँ, बिकॉज
इनका जो संस्था है बहुत लोगों को मदद करती है, जो नए कलाकार होते हैं, एंड शी इज सच ए टैलेंटेड सिंगर. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अटेंडिंग योर प्रोग्राम्स. आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो हर. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. वी हैव सच ब्यूटिफुल टैलेंट इन आवर कंट्री एंड शी इज वन अमंग्स देम. यस, मैं हमेशा कुछ नया बनाना चाहता हूँ. तो इनका जो सिंगिंग मैंने सुनी और इनकी जो हिस्ट्री है, हाउ शी कम्स अप विथ हर ट्रेनिंग एंड ऑल, दिस इज सो अमेजिंग. सो द वर्ल्ड शुड नो अबाउट इट. सो इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी, यस डेफिनेटली आई लाइक टू मेक अ नाइस फिल्म ऑन हर स्ट्रगल टू अचीव एंड कम अप टू दिस लेवल ऑफ सिंगिंग, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स. जी नहीं, मैं समझा कहीं ना कहीं लगा आपको कि लगा दिल्ली गाना गा रही है. बिल्कुल बिल्कुल, आप बंद करके सुनिए तो बिल्कुल अच्छा गा, बहुत ही अच्छा गाती है. इट गोज वेरी नियर टू लता मंगेशकर. लता मंगेशकर इज अ जीनियस बाय ऑन हर ओन, बट देर आर सिंगर्स इन इंडिया हु आर इक्वली टैलेंटेड एंड शी इज वन अमंगस्ट देम. इनका भी मैंने गीत सुना पहली बार, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम. ही इज अ गुड सिंगर. मेरे समान मेरे मास्टर बड़ा मैडम एक गुरु जी समान है, मैं सीख रहा हूँ. और एक लेडी होकर मैडम ये सब क्लासेस चलाना, ये सब प्रोग्राम करना और ये सब जो हॉल का ये सब जो सब मैनेज करना, बहुत डिफिकल्ट. तो मैं तो मैडम को सैल्यूट करता हूँ. और मैं ये चाहता हूँ कि एक म्यूजिक से लेवल के मैडम से सीखूँ भी, और मेरे से भी जितना हेल्प हुए मैं मैडम के साथ रहूँगा और हेल्प करूँगा. ये प्रोग्राम ही इनकी वजह से हुआ, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं कर रही थी कोविड में. बोले मैडम आपके मतलब आप नहीं, आप म्यूजिक कंपनी हमारे भी है तो हम सब मिल के करेंगे. तो ये सब है मेरे साथ, तो अभी आप लोग भी जुड़ गए तो ईश्वर का मतलब मैं समझती हूँ आशीर्वाद मेरे साथ है. वाकई इन्होंने बहुत कोशिश की कि शर्मकानंद हॉल में ये कार्यक्रम हो, बट बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा आ गया. यू बी श्योर दैट वेरी सून शी विल बी हैविंग अ बिग प्रोग्राम. उन्होंने ट्रस्टी जो है अपने फ्रेंड, उन्होंने बोला 50-80 लोग आते हैं, आप अननेसेसरी अभी मत करो, थोड़ा सा ठीक होने दो फिर करो. तो अपन करेंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.